देखिए, 11 नंबर में देखिए दिया इंटीग्रल ऑफ 1 बाई में 2 प्लस का साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स डीएक्स, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई में 2 प्लस का 2 टेन एक्स बाई 2 बाई में 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉस की जगह पे 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई में 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डीएक्स। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई में नीचे एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, यह हो जाएगा 2 इंटू में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का 2 टेन एक्स बाई 2 प्लस का 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई में नीचे है आपका 2 प्लस का 2 टेन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का 2 टेन एक्स बाई 2 और फिर प्लस में 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखिए इंटीग्रल ऑफ ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का 2 टेन एक्स बाई 2 और प्लस का 3 डी एक्स। अब इसमें पुट करते हैं टेन एक्स बाई 2 को टी, पुट कर देते हैं टेन एक्स बाई 2 को टी और इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यह हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इक्वल टू में डी टी और बाई में डी एक्स, यह हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स इक्वल टू में 2 डी टी। चलिए तो ऊपर आ जाएगा 2 डी टी और नीचे हो जाएगा आपका टी का स्क्वायर प्लस का 2 टी प्लस का 3। चलिए अब इसके बाद इसका फैक्टर कर लेते हैं, टी स्क्वायर प्लस का 2 टी प्लस का 3, टी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में टी इंटू में 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। चलिए अब इसके बाद देखिए टी प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 2 कॉन्स्टेंट है बाहर कर लेते हैं, 1 बाई नीचे हो जाएगा आपका टी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में रूट 2 का स्क्वायर डी टी। तो फॉर्मूले पे तो सेट हो ही जाएगा, 1 बाई रूट 2 टेन इनवर्स टी प्लस 1 बाई में रूट 2 प्लस सी। अब यहाँ पे टेन टी का वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर इसे हम लोग काट सकते हैं रूट 2 टाइम्स में, हो जाएगा रूट 2 टेन इनवर्स टेन एक्स बाई 2 प्लस 1 बाई में रूट 2 प्लस सी, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं।